अरे वाह वाह, आज तो आलोक जनाब अपनी तारा मैडम पर लुटा रहे हैं प्यार। मैडम के लिए साड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं। अपने पसंद की ड्रेस में आलोक तारा को सजता देखना चाहते हैं। तुम ये वाली साड़ी पहनो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। रेडी? मैं तुम चेंज करो, मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट। आलोक जनाब बाथरूम में क्या गए? तारा को तो मिल गया आलिया का दिल जलाने का मौका। मैडम ने फौरन आलिया को फोन घुमा दिया। What nonsense! आलोक की पार्टी में ना आने से शौक में चली गई हो क्या तू? आलोक मेरे पास, आलोक अभी अभी मेरे सामने वॉशरूम में गया। लेकिन सामने से आलिया ने जो बात कही उसे सुनकर तारा का दिमाग घूम गया। दरअसल आलिया के पास भी आलोक मौजूद है और आलिया ने भी तारा से यही बात कही है, जिसके बाद तारा फौरन बाथरूम की तरफ दौड़ती है और बाथरूम में आलोक है या नहीं ये चेक करती है। मुझे लगा कि तुम वॉशरूम की खिड़की से कूदकर आलिया की पार्टी में पहुंच गए। यार कमोड तक तो तुमने पहुंचने दिया, पार्टी तक कहाँ जाऊंगा मैं? हद होती शक्की भी। सॉरी बेबी सॉरी, वो गलती मेरी नहीं है, आलिया वाले भी फोन आया तो कुछ भी झूठ बोल रही थी वो। सॉरी ना। भाई तारा को तो कुछ समझ नहीं आया कि अगर आलोक इस वक्त उनके साथ हैं तो फिर आलिया ने ऐसा झूठ क्यों बोला। चलिए आपको हम बता देते हैं, झूठ ना तो आलिया ने बोला है और ना ही तारा ने। आलिया और तारा की जिंदगी में लगा है डबल ट्रबल वाला तड़का। शो में आ गया है आलोक का एक और हम शक्ल। हमारी बात पर यकीन नहीं तो तारा से पूछ लीजिए। अभी हाँ, ये नया ट्रैक आ रहा हमारे शो में जहाँ पे आलोक का डबल रोल है, एज इन आलोक जैसा ही एक कैरेक्टर है रॉनी करके, जो बोल सकते हैं क्योंकि एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे एक बिल्डर है राज खुराना जो हमारे स्कूल को तोड़ना चाहता है और एक मॉल बनाना चाहता है, एंड आलोक ऑब्वियसली रुक जाता है एंड ही इज़ लाइक यू नो वो अपोज कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो राज खुराना देख लेता है कि ये तो एकदम रॉनी जैसा दिखने वाला ही है और राज खुराना उसे भेजता है कि तुम मतलब प्ले अराउंड विद द कैरेक्टर्स और ये कैसे भी मेरा काम करवा दो। इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त आलोक तारा के साथ हैं तो आलिया के साथ मौजूद हैं रॉनी। हाँ, क्योंकि आलिया भी सही है क्योंकि उसके पास रॉनी है जो कि उसे लगता है आलोक है और मेरे पास आलोक है, तो कंफ्यूजन जो है इस चीज़ को लेकर कि आलोक किसके पास है और जब एक्चुअली पता चलेगा कि ओ गॉड उसका हमशक्ल है तो आई थिंक दैट्स द ट्विस्ट, वो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे रॉनी की शक्ल भले ही आलोक से हूबहू मिलती हो लेकिन दोनों के बीच काफ़ी कुछ अलग भी है जिसके बारे में तारा बताएंगी आपको। रॉनी इज फुल हरियाणवी कैरेक्टर, मतलब जो आलोक नहीं है, लाइक आलोक जो इतना सिंपल है स्वीट है वो एकदम उल्टा है, वो मतलब तू तड़ाके से बात करने वाला है, फुल हरियाणवी स्टाइल है, उसका गेटअप भी वैसा ही है। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग क्योंकि अब ऐसा है कि आलिया वहाँ बोलती है कि आलोक मेरे पास है, तारा बोलती है कि आलोक मेरे पास है, तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स। अब देखना ये होगा कि आलिया अपने आलोक को कैसे पहचानेंगी और नकली आलोक का भांडा कैसे फोड़ेंगी। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24।